afternoon all of you. Yes. इससे पहले मैं क्विज शुरू करूं. आज स्पोर्ट्स डे जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई. ध्यानचंद जी के बारे में काफी कुछ कहा गया है और जितना भी आप जानेंगे कम होगा, तो आप इनके बारे में जरूर पढ़िए कि इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या इनका कैरेक्टर था, कैसे ये खेलते थे. कुछ हमारे दीपक ने और हमारे गेम्स टीचर ने कुछ आपको दिए हैं, कुछ टिप्स दिए हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें जरूरी है. देखिए, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल और स्पिरिट. जब तक अगर आपके पास ये हैं तो आप जीत सकते हैं. लास्ट में जो स्पिरिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर जो स्पोर्ट्स में स्पिरिट है वो अगर जिंदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. और लिखा है बी कॉन्फिडेंट वाइल कॉम्पीटिंग. जब आप कंपीट कर रहे होते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए. चाहे आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी है, आपका रैंक कैसा भी है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए. उसके बाद है मूव अहेड विद सेल्फ मोटिवेशन. वैसे आपके लिए अभी जितेंद्र बता रहे थे कि कोच होते हैं, आपके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन जब आप फील्ड पे होते हो तो आपका सेल्फ मोटिवेशन काम करता है. वहां पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है. उसके बाद हमने लिखा है कि कंट्रोल योर विंस एंड लॉसेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप जीतते हैं तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, जब आप हारते हैं तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि जीत और हार जो है वो चलती रहती है. लेकिन कैसे आप मैनेज करते हैं? आपने देखा होगा कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टाई हो गया था मैच, देखा था? देखा था? यस सर. तो मीडिया ने क्या कहा? मीडिया ने कहा कि विनर न्यूजीलैंड है, जबकि जीता था इंग्लैंड. लेकिन न्यूजीलैंड की जितनी प्रशंसा हुई मीडिया ने, स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स ने, दे सेड कि न्यूजीलैंड वोन द हार्ट, इंग्लैंड वोन द मैच, इंग्लैंड वोन द टूर्नामेंट, बट न्यूजीलैंड वोन द हार्ट. तो ये होता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं. Winners never quit and quitters never quit. जो जीतने वाले होते हैं कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं. इस बात को ध्यान रखना. ये चीजें आपकी पढ़ाई से भी संबंधित हैं. एक एक चीजें यहाँ पे जो लिखी गई है, आपके एजुकेशन से भी इसका मतलब है कि अगर आप उसमें स्ट्रिक्ट रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आप जीतेंगे, अगर आप छोड़ेंगे तो यू विल लूज. स्पोर्ट्स ऑफ सोसाइटी. कुछ लोग बोलते हैं कि आप खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. स्पोर्ट्स सोसाइटी को सर्व करता है. अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूं, आप भी इस बात को चर्चा करना, दिल्ली में जो आज हम बड़े बड़े क्लेम करते हैं, दिल्ली में जो आज हमारे पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लंदन से भी जो ज्यादा चौड़ी सड़कें, अच्छे ब्रिजेस हैं, अच्छे कॉम्प्लेक्स हैं, अच्छे स्टेडियम्स हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स. जब हमने स्पोर्ट्स करवाने शुरू किए दिल्ली में, चाहे वो एशियाड हैं या कॉमनवेल्थ हैं, इस तरीके के जो ये साउथ ईस्ट एशियन खेल हैं, जब हमने ये करवाने शुरू किए तो हमारे दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद है समथिंग कंस्ट्रक्टिव कम्स फ्रॉम एवरी डिफीट. जब भी आप कोई हारते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी हार होगी, कुछ ना कुछ उससे आता है, कुछ ना कुछ उससे आपको गेन होता है. इसलिए ये मत सोचिए कि अगर आप हार रहे हैं. ऐसे यहाँ पे भी है, अगर कोई बच्चा कभी डिटेन हो जाता है किसी क्लास में, तो ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं मिला, उससे कुछ ना कुछ उसको मिला. वन मैन कैन बी क्रूशियल फॉर द टीम, बट वन मैन कांट मेक ए टीम. ये मैं अपने साथियों के साथ भी बोलता हूं. एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है टीम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है. सचिन तेंदुलकर थे, जब वो आउट होते थे तो सोचते थे अब गया मैच. विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन, बट जो टीम है उसका इंपॉर्टेंस अलग है. तो ध्यानचंद जी जो थे, हम मानते हैं ध्यानचंद जी बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत स्कोर करते थे, लेकिन उनको एक टीम की जरूरत. इसलिए जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, जब भी आप किसी टीम में होते हैं, तो यू हैव टू प्ले फॉर द टीम. अगर हम इस स्कूल में कुछ कर रहे हैं तो हमें स्कूल के लिए कुछ करना है, हमें इंडिविजुअल के लिए भी, इंडिविजुअल के तो कर ही रहे. तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जब होता है तो फिर वो टीम को स्ट्रेंथन करता है. एक और लिखा है पेशेंस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य. बहुत सारे बच्चे अपना धैर्य खो जाते हैं,
बातें नहीं होंगी यहाँ से, अगर किसी को बात करनी है तो फिर उसको हम दूसरी जगह भेज सकते हैं, नो टॉकिंग अबाउट, ठीक है। पर्सिस्टेंस चेंजेस द फेलियर टू अचीवमेंट, अगर आप लगातार किसी चीज में लगे हुए तो आपका फेलियर अचीवमेंट में चेंज हो जाएगा। अब आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, क्विज हम यहाँ पे करेंगे, ओरल क्विज होगी, नो प्रॉब्लम। आई हैव बीन अ क्विज मास्टर एट केवीएस, मैंने नेशनल लेवल की क्विज अभी करवाई है, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्विज जो होगी दो के बीच में होगी।